हेलो स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा है कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के लिए इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटीज की वैल्यूज मैक्सिमम होती हैं। किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर प्रॉपर्टीज को हम कोलरॉस लॉ की हेल्प से पढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं कोलरॉस लॉ क्या होता है। हम जानते हैं कि यदि हम सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन डिक्रीज करते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, आयंस के बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण यह एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट नहीं करते हैं और एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। कोलरॉस लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी कटायंस और एनायंस के इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन के सम के इक्वल होती है। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी को हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी भी कहते हैं। तो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर कटायंस की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और अनायन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज के सम के इक्वल होगी। यहाँ पर कैपिटल लैम्डा, जो कि इन्वर्टेड वी की तरह दिखता है, इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है। वहीं स्मॉल लैम्डा आयन की मोलर कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है। तो यदि हम NaCl के लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू लिखें तो यह इक्वल होगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस आयन प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस आयन के। तो चलिए इस क्वेश्चन की हेल्प से हम कोलरॉस लॉ को और डिटेल में समझते हैं। इस क्वेश्चन में हमें Mg2 प्लस आयन, Cl माइनस आयन, हाइड्रोक्साइड आयन और K प्लस आयन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज गिवन है और MgCl2 और KOH की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटीज की वैल्यूज को पता करना है। तो वीडियो को यहाँ पर पॉज करिए और कोलरॉस लॉ को अप्लाई करके MgCl2 और KOH के लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज की वैल्यू को पता करिए। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। यदि हम 1 मोल MgCl2 को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हमें 1 मोल Mg2 प्लस आयन और 2 मोल Cl माइनस आयन मिलेंगे। तो कोलरॉस लॉ के अकॉर्डिंग MgCl2 की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इक्वल होगी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Mg2 प्लस आयन प्लस ट्वाइस ऑफ द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस आयन, क्योंकि सॉल्यूशन में 2 मोल्स Cl माइनस आयन प्रेजेंट होंगे। गिवन वैल्यूज को इस एक्सप्रेशन में पुट करें और सॉल्व करें तो हमें MgCl2 की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मिल जाती है 258.6 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। यदि हम 1 मोल KOH को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो सॉल्यूशन में 1 मोल K प्लस आयन प्रेजेंट होंगे और 1 मोल OH माइनस आयन प्रेजेंट होंगे। कोलरॉस लॉ के अकॉर्डिंग KOH की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इक्वल होगी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ K प्लस आयन प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। गिवन वैल्यूज को इसमें पुट करें और सॉल्व करें तो हमें KOH की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मिल जाती है 272.6 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। यदि हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटीज उनके डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पर डिपेंड करती है, या फिर हम यह कह सकते हैं कि मोलर कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा के। और हमें पता है कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू मैक्सिमम होती है, जो कि इक्वल होती है 1 के। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को किसी भी कंसंट्रेशन पर कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां पर लैम्डा एम गिवन कंसंट्रेशन पर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की मोलर कंडक्टिविटी होती है और लैम्डा एम नॉट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर
सॉल्यूशन की मोलर कंडक्टिविटी होती है। इस एक्सप्रेशन की हेल्प से हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू को भी लिख सकते हैं। इसे हम एसिटिक एसिड के एग्जांपल से समझते हैं। यदि हम किसी कंसंट्रेशन सी पर एसिटिक एसिड के लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखते हैं तो यह इक्वल होता है कंसंट्रेशन इनटू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। यदि हम इस एक्सप्रेशन में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू मोलर कंडक्टिविटीज के टर्म्स में रखें तो हमें कुछ यह एक्सप्रेशन मिल जाता है जिसमें डिसोसिएशन कांस्टेंट इक्वल होगा कंसंट्रेशन इनटू लैम्डा एम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय लैम्डा एम नॉट इनटू लैम्डा एम नॉट माइनस लैम्डा एम, जहां पर लैम्डा एम गिवन कंसंट्रेशन पर मोलर कंडक्टिविटी होगी और लैम्डा एम नॉट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगी।